इसे हम विडंबना ना कहें तो और क्या कहें। जहां एक तरफ सरकारें पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करती है, तो वहीं कठुआ जिला का सबसे खूबसूरत इलाका बानी का पर्यटक स्थल सरथल पर्यटक के लिए बाहें फैला के बैठा है। लेकिन आज ये खूबसूरत स्थल वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर से ये पूरा पर्यटक स्थल आज वीरान है। जैसे यहाँ की ऊंची दिलकश नजारों से भरी पहाड़ियां पूछ रही हो कि मेरी वीरानगी की आखिर क्या वजह है। जम्मू कश्मीर पर्यटक विभाग से बानी के लोगों ने इस पर्यटक स्थल में स्नो मेला लगाने की मांग की। बानी अपडेट आज ही अपने रिपोर्ट के माध्यम से पर्यटक विभाग से पूछता है कि अगर कश्मीर या हिमाचल में पर्यटक बर्फ का नज़ारा देखने के लिए जा सकते हैं तो फिर हमारे यहाँ बानी में क्यों नहीं आ सकते। आखिर क्यों बार बार इस खूबसूरत स्थल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैं रीता ठाकुर DDC बनी की मेंबर हूँ और मैं सबसे पहले तो डिप्टी कमिश्नर से निवेदन करती हूँ कि जो हमारा सथर वाला रोड है वो स्नो क्लियरेंस उसकी करवाई जाए। जब तक वो क्लियर नहीं होगा रोड तो हमारा कोई भी टूरिज्म वहाँ पे नहीं पहुँच सकेगा। तो मैं फिर से उनसे निवेदन करती हूँ कि वो रोड क्लियर होना चाहिए। उसकी वजह से जब वो रोड क्लियर होगा तो हमारी जो जितना भी टूरिज्म है वो सथर जाएगा और सथर में इतने इतने अच्छे व्यू पॉइंट हैं कि अभी जैसे स्नोफॉल हुई थी तो इतने इतने अच्छे व्यू पॉइंट है। जब तक हमारा रोड क्लियर नहीं होगा तो कोई भी वहाँ पर टूरिज्म नहीं पहुँच सकेगा और वहाँ का जो नज़ारा है वो नहीं देख सकेगा। तो और जो JK टूरिज्म है उनसे भी निवेदन करती हूँ और मैंने एक लेटर उनको लिखा भी है कि हमारे सरथल में एक स्नो मेला होना चाहिए। तो उससे वजह जब स्नो मेला होगा तो उससे भी हमारा जो सरथल का टूरिज्म है वो ज़्यादा बढ़ेगा और वहाँ पे लोग जितने भी अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट है वो देखने के लिए जाएंगे और एंजॉय करेंगे। मैं रीना ठाकुर सरपंच पंचायत भंडार मैं JK टूरिज्म वालों से रिक्वेस्ट करती हूँ के सरथल में एक स्नो मेला लगाया जाए। मैं सुशील कुमार सरपंच पंचायत हल्का गती ब्लॉक बनी तहसील बनी मैं डिप्टी कमिश्नर कठुआ से मैं अपील करता हूं कि हमारा जो सरथल का जो एरिया जो है बनी सरथल जो रोड जो है इसकी वहां पर बर्फबारी हुई है। सबसे पहले मैं इनसे अपील करता हूं कि ये बर्फ जो है इसकी रोड क्लियरेंस की जाए ताकि हमारे इसके साथ साथ ताकि मैं JK हमारे टूरिज्म वालों से भी अपील करता हूं कि वो यहां सरथल में आए। जिस तरीके से हमारे लोग कश्मीर में जाते हैं इस तरीके से हमारे सरथल में आएँ। यहाँ पर काफ़ी बर्फबारी हुई है वहाँ पर टूरिज़्म मेला जो है वहाँ लगाया जाए ताकि हमारे स्नो मेला लगाया जाए ताकि हमारे लोगों को यहाँ पर फ़ायदा मिल सके। आप क्या सुनते किस तरह यहाँ पर उस मेले के लगने से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा? सबसे पहले मैं कहता हूँ कि हमारे इस मेले लगने से हमारे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और जिस तरीके से हमारे लोग जम्मू से प्रावंस लोग जम्मू से कश्मीर जाते हैं तो इस एरिया के इस तरफ आएँ ताकि बनी में सरथल में बर्फ देखें और यहाँ बर्फ का नज़ारा लें। मैं रतन चंद एक्स सरपंच आसो में से मांग करना चाहता हूं कि जो मैं अपनी तरफ से यही करना चाहता हूं कि टूरिज्म की तरफ से जो मेला सरथल में पहले भी एक दो दफ़ा मेला लगा है वो उसकी मांग करना चाहते हैं कि वो मेला भी लगाया जाए और जल्दी से जो रोड हमारा बर्फबारी से ढका है उसको खोला। मैं JK टूरिज़्म डिपार्टमेंट से ये मांग करना चाहूँगा कि यहाँ पर टूरिज़्म मेला लगाया जाए। देखो जब यहाँ पे टूरिज़्म मेला यहाँ पे लगेगा दूर दराज से यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे और यहाँ पे हमारे इलाके की बड़ी तरक्की होगी जिससे वो आते रहेंगे और यहाँ के बेरोज़गार जो लड़के हैं वो भी रोज़गार कमा सकते हैं यहाँ पे।